इस हफ्ते कौन सी स्टोरी ने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां और कौन सी है वो 10 खबरें जिसने मचाया तहलका, आइए जानते हैं हमारे टेलीग्राफ में। एक्टर अक्षय खरोड़िया ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिव्या पुनेथा से शादी कर ली। इनकी शादी देहरादून में फैमिली के करीब 10 मेंबर्स की प्रेजेंस में हुई। खतरों के खिलाड़ी 11 कंटेस्टेंट अनुष्का सेन के कोविड पॉजिटिव होने के बाद शो के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य और अर्जुन बिजलानी ने कराया अपना कोविड-19 टेस्ट, क्योंकि इंडिया लौटने से पहले ये सभी कंटेस्टेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपना टेस्ट करवाए। राहुल और अर्जुन ने फैंस के साथ शेयर किया वीडियो। अविका गौर ने उनके और मनीष रायसिंघान के बीच सीक्रेट बेबी को लेकर किया रिएक्ट। कहा कि मनीष मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बहुत करीब है, पर जब कोई मुझसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो मेरा जवाब होता है कि मेरे पापा से थोड़ी छोटी उम्र के हैं। आपको बता दें कि जहां मनीष ने संगीता चौहान से शादी कर ली, वहीं अविका मिलिंद चंदवानी को डेट कर रही हैं। सना सैयद ने अपने कॉलेज फ्रेंड इमाद शमशी के साथ निकाह कबूल कर लिया है। डालिए नजर इनके निकाह की तस्वीरों पर। टेलीविजन का सबसे पसंद किया जाने वाला शो अनुपमा के सेट से ये खबरें आ रही थी कि शो के लीड एक्टर्स सुधांशु पांडे और रूपाली गांगुली के बीच कुछ ठीक नहीं है। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूपाली और सुधांशु के बीच सेट पर इन दिनों कोल्ड वॉर चल रहा है। India.com की रिपोर्ट की माने तो बिग बॉस 15 में सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबी अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती हिस्सा लेंगे। वेल, इस खबर पर दोनों एक्ट्रेसेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर ये दोनों इस शो में दिखाई देंगे तो वाकई सीजन 15 धमाकेदार बन जाएगा, क्योंकि सुशांत से जुड़े कई राज से पर्दा उठेगा। कसौटी जिंदगी के टू फेम एक्ट्रेस सबीना जट ने कर दिया शोबिस को अलविदा। सबीना ने ग्लैमर इंडस्ट्री में 13 साल बिताने के बाद ये कठिन फैसला लिया है। इंडिया फोरम्स को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा कि एक्टिंग ने मुझे पीस नहीं दी, मैं खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया। शादी टूटने के विवादों के बीच बेटे कविश के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दी निशा रावल। सोशल मीडिया पर शेयर किए पिक्चर्स, यूजर्स ने निशा को किया ट्रोल। करण मेहरा के साथ चल रहे इश्यूज की वजह से यूजर्स ने निशा को किया बुरी तरह ट्रोल। पायल रोहतगी को किया गया अरेस्ट। अपनी सोसाइटी के चेयरमैन को धमकी देने पर और झगड़ा करने की वजह से उन्हें किया गया है गिरफ्तार। खुशांक अरोरा की गाड़ी से उनका एक्सपेंसिव लैपटॉप हुआ चोरी। दिन दहाड़े हुआ उनके साथ ये हादसा। कोविड-19 महामारी के दौरान हुए इस नुकसान से खुशांक काफी निराश हैं। वेल, इस हफ्ते की इन खबरों पर आपकी क्या राय है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।